कम्पीट विथ योर सेल्फ नॉट विथ एनीबडी एल्स एंड स्लोली एंड स्टडीली प्रोग्रेस कीजिए, हेल्थी वे से प्रोग्रेस कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरी दुकान बंद हो जाएगी, फिटनेस तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी दुकान चलाने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है, वो एक्सपर्ट विनोद सर है। तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगा, अगर आप थोड़ा बहुत फिटनेस करते हैं तो ऐसा मत करिए कि लोगों को आप लोग सिखाने लग जाएं। इसका काम सिखाने का होता है, उन्हीं को सिखाने दीजिए, क्योंकि गूगल पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक स्पेसिफिक बॉडी की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेप्स होते हैं, एक सर्टिफाइड इंसान को ही मालूम होता है। जैसे अभी आपका काम मैं नहीं कर सकता, मुझे तो सब कैमरे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन सब अलग अलग कैमरा है ना, तो ये टेक्निकलिटीज़ है, तो इसको प्लीज़ ध्यान दें और इधर उधर ना सुने और एक्सपर्ट के पास ही जाएँ। It's a really great conference over here. I have learned many things over here. Being a fitness freak, like I balance my diet always, and I always tell people, just go through your diet, because आप जो दिख रहे हो कुछ नहीं मैटर करता, आप कैसे आपके फेस में रिंकल्स है वो भी मैटर नहीं करता, आप कितने फिट हो, आप कितना फास्ट सब चीज़ें करते हो, कितनी हेल्दी तरीके से करते हो, और सबसे बड़ी बात आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते हो। अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो आप फिट नहीं हो, ये सब। और एक चीज़ और, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो तो आप सब चीज़ों को कंट्रोल करते हो। माइंड इज़ एवरीथिंग। आपका माइंड अगर आपको बोलता है सो जाओ तो यू बिकम लेज़ी, अगर आपका माइंड बोलता है ईट हेल्दी वर्क हार्ड तो आप करने लग जाते हो। सो मोटिवेट योर सेल्फ नॉट फॉर लाइक हेल्थ एंड फिटनेस, जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ फॉर बींग अ गुड लाइफ। सो आई बिलीव दिस कॉन्फ्रेंस रियली मैटर टू मी, बिकॉज इवन आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, एंड जस्ट गो थ्रू द न्यूट्रिशन पार्ट। थैंक यू। फिटनेस का रास्ता क्या है? मेरी फिटनेस एक्चुअली जेनेटिक है। मेरे जो फादर है, फादर जो है वो आर्मी से रिटायर्ड है, मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरी फिटनेस तो एक्चुअली मैं बहुत एक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा 3 hours वर्कआउट करती हूँ। उसके अलावा भी आई डू लाइक इन्वायरमेंटल थिंग्स लाइक प्लांटिंग ट्रीज, बच्चों को पढ़ाती हूँ फुटपाथ में, और अपने खुद के काम करती हूँ प्रोफेशनल पर्सनल। कभी किस कंट्री में होती हूँ, कभी किधर, कभी आज मुंबई हूँ तो बड़ौदा, कभी कभी चले जाती हूँ यूरोप, कभी कहीं पर भी, और इतना भागती हूँ और जरा भी थकती हूँ। सब बोलते आप थकते क्यों नहीं हो, वो मेरे अंदर है ही नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने माइंड को कंट्रोल कर लिया है कि लेजीनेस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, वो हम खुद बनाते हैं। और वैसे नहीं, मेरा बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, 43। सब बोलते कुछ तो है ही नहीं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है? एनर्जी खाने से, न्यूट्रिशन से और माइंड से आती है एक्चुअल में। सो आई बिलीव इन टू दैट कि अगर आपकी बॉडी फिट है, आपका माइंड फिट है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और जो ये सोचते हैं कि वी कैन, वो वॉन्डर करते हैं दुनिया में। कोई भी हो, आप लोग भी, मैंने देखा आप भी जर्नलिस्ट हो, आप लोग भी बहुत भागते हो, थोड़े में आपके पैर पे, आपके टोप पे रहते हो, तो आप भी तो एनर्जी लाते होगे ना आपके माइंड से कि नहीं हमें करना ही, हमें देना ही है अपना बेस्ट। अगर हम सोचते हैं हमारे अपना बेस्ट देना तो हम देते ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको रोक नहीं सकता। तो मेरा तो वही मानना है। मैं फिटनेस के लिए हमारे जैसे जैसे हम जैसे इंसान हैं उनको क्या मैसेज दोगे? फिटनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ नहीं, फिटनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आप थोड़ी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, अपनी बॉडी को मूव करो। आपको बताना चाहिए आपके बॉडी पार्ट्स जो है मूव कर रहे हैं, आप हिल रहे हो, आप खा अच्छा रहे हो। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉल्ट, शुगर और प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप जंक फूड खाते हो तो इनडायरेक्टली आप बहुत सारी चीज़ें इंटेक कर रहे हो, आप जो है वो केमिकल्स को खा रहे हो। अपनी थोड़ी मेहनत लगती है, आप खुद अपना फ्रेश जूस बनाओ, अपनी चीज़ें भी बनाओ। और जो सप्लीमेंट्स हैं जो रिकमेंड करती है, जो कंपनीज जो रिकमेंड करती है, वो उनको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें केमिकल फ्री डाइट नहीं मिलती। हम जो खाते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, तो उसके एब्जॉर्बन के लिए आपको चाहिए सप्लीमेंट्स, बहुत ज़रूरी है। इवन आई टेक सम सप्लीमेंट्स, सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। और आई थिंक हमें अपने आप को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी जरूरी है। आप भी थोड़ा सा, आप लोग हम चलते हैं ना, डेली हम वॉक करते हैं और हमारी बॉडी जो यूज्ड हो जाती है, जैसे कि आप स्टेयर चल रहे हो, आप अपने सिंपल तरीके चलाओ, थोड़ा भाग के चढ़ लो उसको, थोड़ा रिवर्स हो जाओ थोड़ा किसी, तो वो इम्पैक्ट करता है। चीज़ें वही हैं, बस उसको थोड़े अलग तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू।
देखिए मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, क्योंकि मॉडलिंग एक्टिंग और कराटे चैम्पियन भी हूँ। मुझे लगता है कि औरतों को सिर्फ अपनी सुंदरता नहीं और सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, कहीं ना कहीं जाकर अपनी यू नो स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वी शुड बी ब्यूटिफुल, वी शुड बी इंटेलिजेंट, बट वी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आजकल का जो माहौल है उसे देखकर मुझे लगता है सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मुझे यू नो क्रंच जैसे मैगजीन पे कवर पेज पे आने का मौका मिला, क्योंकि फिटनेस जो है लाइफस्टाइल है हमारा। और सिंस अ चाइल्ड मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में मैंने रुचि रखा है, और कॉमनवेल्थ में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। और सभी महिलाओं को मैं एक ही मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए और फिटनेस पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे अवार्ड्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इट्स ब्रिंगिंग टुगेदर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टैलेंट्स एंड अ लॉट ऑफ ब्रेन्स अलॉन्ग विद दिस। सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आज पैनल डिस्कशन थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं उसमें बहुत सहमत हूँ कि आपको अपने शरीर को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। यू हैव टू डिसाइड कि वॉट इज़ गुड फॉर यू एंड वॉट विल वर्क फॉर यू और नॉट, क्योंकि हर किसी अलग होते हैं, हर किसी के कॉम्पोजिशन अलग होते हैं। एंड दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, आई एंजॉय दैट। थैंक यू। सबसे पहले तो सिम्स का शुक्रिया जिसने हमें ये इसके लायक चुना। हम अपकमिंग कंपनी है जिसको अभी 2 साल हुए हैं और उन्होंने नॉमिनेट किया हमें। दिस इज़ वेरी थैंक यू फॉर दिस कंपनी, बिकॉज ये कंपनी के साथ हमारी एक मार्केटिंग कंपनी है जो कम से कम 20 साल से जानती है सिम्स को। सिम्स भी हमें जानता है लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में अभी आए और इन्होंने इस कैटेगरी में हमें चूज किया। दैट इज़ वेरी थैंकफुल टू हिम। साल में जेनेटिक रिसर्च करके फाइनली अवार्ड मिला हमको, तो बढ़िया लगा ऑब्वियसली। Thank you to CIMS for acknowledging us and the hard work our team has put in, you know, to do this. Genetics is a very innovative field in general, so I think we have an unfair advantage in because of the field we are in, but still thank you so much to CIMS for doing this. Main logo ko mehsoos dena chahta hu ki aap, you must have seen so much media talking about different nutrition tips, and everybody has different conflicting advice. But the fact of the matter is that we all are genetically different, and once we understand our genes, then we can basically take nutrition supplements or customize a diet based on that, and that'll be more effective than randomly just doing everything. So yeah, that's the message. Get your genes tested. Since Medica would like to thank nutrition, our honorable chief guest, guest of honor, respected delegates and attendees for making this event a huge success. Since Medica would also like to thank all our partners, association partners, Health Food and Dietary Supplements Association, Indian Dietetic Association, Association of Food Scientists and Technologists India, Association of Healthcare Providers, Media Partners, Crunch, Food Outlook, Express Pharma, Medicare Newspaper, 99foodprocessing.com, Beverages and Food Processing Times, Care World TV Channel, our broadcast partner, Nutrition Partners, We Food Private Limited, Natnat, Protein Partner, Natural India Private Limited, RiveWise. Thank you once again everybody for being present here at Nutrition and Wellness Conference and Awards 2018. Please do enjoy the cocktails. Thank you. फिल्मों में देखो बजाय कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को देखो, सर्टिफाइड जो न्यूट्रिशियंस हैं उनसे आप सलाह मशवरा करिए और अपनी हेल्थ को बरकरार रखिए। सर, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट राम मंदिर इशू, व्हाट कम ऑन यार, वेयर द राम मंदिर हैज फॉलन फ्रॉम नाउ, बट व्हाट इज योर थॉट सर? उद्धव ठाकरे आल्सो वेंट टू द अयोध्या, व्हाट इज योर थॉट सर?
You really wanted to know this? Yeah. They could have very well done it long back when they came into power, right? They were there in Delhi, they were there in Maharashtra. Nobody restrained them from doing all those tamasha which they are doing right now. They could have instead that tamasha, they could have built up the Ram Mandir. If at all they wanted to, but they wanted to make it as a political issue, which they are doing since last more than 25 years. And again, when they failed in delivering to this country, to the people of this country, now they are back to the square one, that is Ram Mandir. That is what I feel. Thank you very much. Thank you, Smedica, for this award for the best, fastest growing online nutraceutical store. We sell products on www.beyoungstore.com. This is a very young and a new initiative that we have started to eradicate micronutrient deficiency with the mission of Kuposhan Hatao Krishi Alao. Please join us. Thanks again for being for recognizing us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. For honoring us with the most emerging company in dietary supplements. We are a young company of formulated by nutritionists and dietitians, and we have now more than 60 supplements, and right from whey proteins to collagen proteins to a therapeutic line of amino acids. We right from therapeutic nutrition to sports nutrition. So you can trust us to only deliver and grow. Thank you. सर क्या कहना चाहेंगे आपको अवार्ड दिया गया क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के लिए को मिला है और एक नया ब्रांड हम लोगों ने लॉन्च किया है ये सरीना में डायबिटीज़ को केयर करने के लिए तो ये डायबिटीज़ के लिए ब्रांड है ग्लाइकोडेव इसका नाम है प्योर आयुर्वेदिक ब्रांड है हमारे पास साथ में पूरे इंडिया में लगभग 5-6 डॉक्टर्स भी इस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं डबर हैज़ बीन फॉर आयुर्वेदा डबर इज़ फॉर आयुर्वेदा एंड विल बी फॉर आयुर्वेदा दैट इज़ द मैसेज वी वांट टू टू जो पार्टनर्स इन द Thank you so much. Thank you so much. How do you feel? I think event बहुत अच्छा था, बहुत लोगों को recognition मिला, and this is a good opportunity for health and fitness people in this industry to. I think everyone's on the same page कि अब personalized होना चाहिए, and everything should be personalized according to one's individual needs. So I think we're moving in the right direction towards genetic testing and towards nutraceuticals and personalized healthcare. So yeah, thank you. Fitness का राज क्या है? फिट तो रहना चाहिए हम फिट है तो इंडिया फिट है हमें बेस्ट न्यूट्रोसूटिकल मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और इमर्जिंग कंपनी ब्रांड के लिए मिला है रोजेट मेडिकेयर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे हम लोग न्यूट्रोसूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट और ड्रग सारा मैन्युफैक्चर करते हैं टैबलेट कैप्सूल सिरप ड्राई सिरप प्रोटीन पाउडर और जो हमारी जीएम न्यूट्रिशन ब्रांड है वो आप सब जानते होंगे गुरुमान जो सेलिब्रिटी ट्रेनर है यूट्यूब पे तो उनकी है कंपनी जीएम न्यूट्रिशन तो उनको ये अवार्ड मिला है तो उनके बिहाफ पे मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है हमारा जो गोल है यहाँ पर है कि न्यूट्रोसूटिकल की जो इंडस्ट्री है उसको हम इम्प्रूव करें जो कस्टमर है उसकी अवेयरनेस बढ़ाएं उनको एक अच्छा प्रोडक्ट दें तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक सिम्स फॉर अलाउइंग अस एंड गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर प्रेजेंट हियर एंड वी कैन स्प्रेड द मैसेज टू एवरीबॉडी थैंक यू सो मच एंड more awareness regarding the nutrition and fitness what is your thought so I think the award function and the conference is a great platform for qualified professionals to come on board and share their views and also update consumers about what the latest is what the updates are in research in terms of nutrition and wellness so I think we should have more such conferences thank you yes roll जी सर क्या कहना चाहेंगे आपको अवार्ड मिला है उस अवार्ड के बारे में बताइए अवार्ड किस लिए मिला हमें इमर्जिंग न्यूट्रोसूटिकल मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है क्योंकि लास्ट ईयर ओनली वी एस्टैब्लिश्ड अ न्यूट्रोसूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन अहमदाबाद वी डील इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट हार्ड जेल सॉफ्ट जेल ओरल लिक्विड पाउडर एंड सेचेट वन ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी हमारी वेस्टर्न गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज कह सकते हैं आई एम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर फॉर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एमएनसी कंपनीज सो या उस सिलसिले में मैं सीआईएमएस का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा फॉर रिकॉग्नाइजिंग कंपनी लाइक आर्स एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस गोइंग फॉरवर्ड थैंक यू सो मच रोलिंग सर बोलिए या सर रोलिंग बोलिए सर
I have got this award and I am very grateful to SIMS for getting this award, the most trusted company of the year. This is really an honor for our company. As you understand, the trust is a major factor for any company for growing up and to sustain. So again, thank you for giving me a kindness. मैं आप सबको बता रही हूँ कि दबंग सरकार 30 नवंबर को रिलीज़ हो रही है झारखंड बिहार और साथ ही साथ हमारे मुंबई में भी. और हालांकि प्रोड्यूसर्स की कोशिश है कि इस बार दबंग सरकार सिंगल डेट में हर जगह रिलीज़ कर दी जाए. फिलहाल तो मैं एक गुड न्यूज़ लेकर के आई हूँ कि दबंग सरकार 30 नवंबर को मुंबई में भी रिलीज़ हो रही है. अच्छा, इससे पहले ये था कि छठ के मौके पर रिलीज़ होने वाली थी, एंड मौके पर फिल्म हटा ली गई, कहा गया कि नागदेव रिलीज़ होने वाली है, क्यों ऐसा? अरे भाई, दबंग सरकार है, लोग उसका वेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, जब वेट करेंगे सब्र का फल मीठा होता है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना, तो ये सब्र का फल मीठा होने वाला है. 13th नवंबर को होने वाली थी, उस समय भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसके कारण पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई, मगर अब फाइनली पिक्चर थिएटर तक पहुँच चुकी है, तो देखना कब खुलेगा. 30 नवंबर दबंग सरकार. नहीं, आपके कई सारे फैंस कह रहे हैं कि फिल्म एक्चुअली बार बार डिले हो रही है, तो हमको परेशानी हो रही है, आपको लगता नहीं ऑडियंस को कोई, जो आपके फैंस होंगे उनको प्रॉब्लम होती होगी? हाँ, मुझे पता है, मेरे फैंस लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार सब कुछ हो चुका है. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हो सकता है एक दो दिन, सॉरी मैंने 15 डेज वेट करा, हक बनता है यार, ठीक है चलता है, कोई बात नहीं. अब दबंग सरकार आ रही है, आप सब लोग देखना मत भूलना, मैं बार बार आप लोगों को ये बोल रही हूँ, मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए. अच्छा, प्रमोशंस की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसे प्रमोट किया जाएगा, कौन कौन से तरीके से प्रमोट किया जाएगा? सोशल मीडिया पे हमारे प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है और हम लाइव भी आ रहे हैं, कि सारी टीवी लाइव आने वाले हैं, वो इस समय रांची में शूटिंग कर रहे हैं, हो सकता है मैं उनके पास जाऊँ, हम लोग एक साथ मिले, पटना शहर आए, हमारी पिक्चर का प्रमोशन करें. हमारी तैयारी तो कुछ ऐसी है, बट देखते हैं आगे क्या क्या होगा. और डेफिनेटली हम पब्लिक के बीच आएंगे, अपने फैंस को मिलेंगे, और क्योंकि हमें उनसे ढेर सारा प्यार चाहिए. मैम, आपको कहा जाता है भोजपुरी की आलिया भट्ट, क्या कहना चाहिए? अच्छा, मुझे नहीं पता था कोई बच्चे आलिया भट्ट बोलता, हालांकि मुझे इन्होंने ये सारी चीज़ें बोला था, तुम भोजपुरी की कैटरीना कैफ हो, तो लाइक फिलहाल तो यार मैं आकांक्षा अवस्थी हूँ, मेरा नाम क्यों बदल रहे हो आप लोग, ऐसे थोड़ी ना आपके बाद भी महेश आलिया भट्ट, मतलब मैं क्या यहाँ से कुछ आकांक्षा जी, क्या मानते हैं आलिया भट्ट? आकांक्षा जी, महेश भट्ट जी आपके बाद में आ चुके हैं जी, आपके पास महेश भट्ट. अच्छा हाँ, हमारे मतलब वो दबंग सरकार के डायरेक्टर महेश भट्ट, नहीं योगेश राज मिश्रा जी आ चुके हैं, हमारे दोस्त. मैं महेश भट्ट जी का बहुत आदर करता हूं, ऐसी कुछ पिक्चर बनाई है, कोशिश करूंगा कि मैं उनको, इनको भाई मैं बहुत इज्जत करता हूं, बट मैं महेश भट्ट अभी नहीं हूं, मैं योगेश राज मिश्रा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स जो हमारे हैं उनके चरण कमलों पर चलो, अच्छी फिल्म बनाओ, मार्केट में आप सबों के लिए अच्छी फिल्म लेके आओ. पूछिए, क्या पूछना है? मेरे पूछना यही है कि बार बार फिल्म आपकी डिले क्यों हो रही है, मिश्रा जी कैसी आप तैयारी कर रहे हैं जो हर बार एंड लोके पर फेल हो जाती है? ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है. होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो चलने की बात होती है, देखो गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, और उसकी माँ उसकी उंगली पकड़ के चलाती है, तो आप सब लोग हमारी माँ हो, मैं गिर रहा हूँ, आप सब लोग संभाल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड हमने विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लिया है दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली. और पहली बार जो था वो इस वजह से था कि कुछ सेंसर की प्रॉब्लम थी, सेकेंड बार जो हुआ वो इस वजह से हुआ कि हमारे बड़े भाई की फिल्म आ रही थी, हमारे निरवा जी की फिल्म आ रही थी, और खेसारी जी की एक और फिल्म आ रही थी, सो इस वजह से हमारी फिल्म को आगे बढ़ाया गया. अब हमारी फिल्म इंडिपेंडेंट होकर आ रही है, क्योंकि हमारी फिल्म आप सब तक जगह जगह पहुँचे, इसलिए वो अकेले आ रही है, और हम नहीं चाहते कोई अच्छी फिल्म किसी के साथ, बस ये रीज़न. आपकी फिल्म में थोड़ी टकराने जा ही रही है, रजनीकांत साहब की 2.0 आ रही है, इतनी बड़ी फिल्म के सामने आप फिल्म रिलीज कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे भोजपुरी फिल्में लगती हैं वहाँ पे भोजपुरी फिल्म की डिमांड. अच्छा हाँ, मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, हमारी फिल्म लगभग, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, लगभग 102 सिनेमा हॉल के साथ रिलीज़ हो रही है, अपने आप में एक न्यूज़ है, और मैं उन सारे सिनेमा हॉल का बहुत दिल से शुक्रिया बोलता हूँ जिन्होंने हमारी फिल्म को पसंद किया, हिंदी की जगह पे हमारी फिल्म को आगे पसंद किया और कमिटमेंट दिया है कि हमारी फिल्म को रिलीज़ करेंगे. उन सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं, जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं,
उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी फिल्म को इस लायक समझा कि हिंदी की जगह पे वो भोजपुरी फिल्म लगा रहे हैं। और एक रिकॉर्ड होगा जहाँ तक हमें लग रहा है 112 115 सिनेमा हॉल का कमिटमेंट कर रहे हैं बिहार और झारखंड में। मैं थैंक्स बोलता हूँ एग्जीबिटर्स को। सर आकांक्षा जी, आपको लगता है कि आपकी फिल्म असल में रजनीकांत की फिल्म को टक्कर दे सकती है? क्योंकि दो बड़े स्टार है, अक्षय कुमार भी है जिनकी काफी फैन फॉलोइंग है और रजनीकांत साउथ इंडिया के सबसे बड़े स्टार है। तो मैं इसके लिए आप लोग एक आंसर करना चाहती हूँ। हाँ, रजनीकांत जी की मैं सारी पिक्चरें देखती हूँ, मैं भी उनकी एक्टिंग की फैन हूँ। और हाँ, अक्षय जी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी हैं, तो आप लोग केसारी जी को कम मत समझिए। हाँ, वो भी हमारे केसारी जी बिहार के रजनीकांत हैं। हाँ, तो आप लोग ना बिल्कुल अंडरएस्टिमेट मत करिएगा, डोंट अंडरएस्टिमेट मी माय सेल्फ एंड केसारी जी। ओके, तो हमारे केसारी जी अपने आप में एक रजनीकांत की वैल्यू रखते हैं बिहार में, और हम चाहते हैं आप सब लोग फिल्म को देखें और खुद डिसाइड करें कि हमारी फिल्म किस लेवल पे है और हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है। काफ़ी लार्ज स्केल पे करेंगे ताकि इसको और अच्छे से कवर करें, बट आज का इवेंट भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग यहाँ पे आए थे, डिफरेंट स्पेस से आए थे, और सभी के सभी एवरी ह्यूमन बींग बिलीव्स इन न्यूट्रिशन। ये जो पिछले 4 years की जर्नी थी वो कैसी थी, क्या कुछ बदला? 4 years पहले मुझे लगा कि जब ये स्टार्ट किया था तो मुझे लगा दैट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को भी बहुत कम नॉलेज है, और विद इंडिया ग्रोइंग हमारी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लोगों के पास इनकम्स बढ़ रही हैं, तो अभी हमेशा डिजीज़ होने के बाद डिजीज़ का इलाज नहीं करते हैं, अभी डिजीज़ ना हो उसकी तरफ इंडिया उस लेवल तक पहुंचना शुरू हो गया है कि वो लोग देखना शुरू करें कि डिजीज़ ना होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए पूरा इस पूरे इवेंट को लॉन्च करने का सिर्फ एक ही आइडिया था कि इस कॉन्सेप्ट का आइडिया पॉपुलेशन में बढ़े कि डिजीज़ रोक कैसे सकते हैं, लेकिन अभी देखने के लग रहा है कि इसको और बहुत डिटेल में कर सकते हैं और बहुत नॉलेज लोगों को दे सकते हैं। और सर, आज का इवेंट की अगर हम बात करें तो आज हमारा 4th edition था, 4 साल हो गए हमको। ये इवेंट की सक्सेस इसी बात से मालूम पड़ती है कि पहले यहाँ पे आ जाते सिर्फ डॉक्टर्स, अभी आते हैं डॉक्टर्स, न्यूट्रिशंस, डाइटिशियंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। पहले आते थे सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के, और इस साल हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से। तो बिकॉज हमारे जो टॉपिक्स रहे हैं और जो हमारे स्पीकर्स रहे हैं, इससे ये काफ़ी मालूम पड़ता है कि इसका प्रमोशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर। हम सब जानते हैं कि थोड़ा पीछे लो भाई, हमने किसी दोस्त को पूछ लिया कि भाई क्या करता है अपनी हेल्थ के लिए, या हमने किसी अपने रोल मॉडल को पूछ लिया, बट जैसा आपकी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हर एक की बॉडी अलग होती है। आपको शायद जो चीज़ सूट कर रही हो मुझे नहीं सूट कर रही, मुझे जो सूट कर रही है शायद से इनको नहीं सूट करे, हर एक की बॉडी अलग होती है। जैसे हम हर चीज़ के लिए, अगर इंजीनियर बनना है तो हम इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, MBA बनना है MBA का कोर्स करते हैं, डॉक्टर बनना डॉक्टर का कोर्स करते हैं, वैसे ही न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस ने वो बनने के लिए कोर्स किया हुआ है। तो जब प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो इंटरनेट की बजाय उनके पास जाएँ और सही सलाह पाएँ, ये मेरा कहना है। सर, आपने कहा कि पहली बार सिर्फ मुंबई से लोग आए थे, अब ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से आए। सर, ऑल ओवर वर्ल्ड से उम्मीद तो बिल्कुल है, बट अगले साल की अगर हम बात करें तो हम ऑल ओवर एशिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी कॉर्पोरेट्स हैं, न्यूट्रोसिटिकल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होती जा रही है, वेलनेस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होती जा रही है। न्यूट्रिशनल वेलनेस में सिर्फ स्किन एंड कॉस्मेटिक्स नहीं है, उसमें सब कुछ है। किसी को कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो किसी को बीटल की डिफिशियंसी है, कोई भी एक डिफिशियंसी बॉडी में आपके ब्यूटी को, आपके बॉडी को हैम्पर कर सकती है। तो इसलिए पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर, इसके लिए ऑल ओवर एशिया से हम लेक्चर स्पीकर्स लाएंगे, जो हमारे टॉप डाइटिशियंस हैं, हमारे टॉप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, वो ऑल ओवर एशिया के तरह से बात करेंगे।